में रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रिलेटेड टू पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन प्रोटीन हमें पता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड है जो हमारी बॉडी को बढ़ने में हेल्प करता है तो उसे क्या हो जाएगा पीईएम एम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इससे रिलेटेड डिजीज हो जाएगी हमारी बॉडी में नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस डाइट एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस बतानी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी तो डाइट डाइट क्या होती है ए बैलेंस डाइट इज एन इज वन दैट कंटेन ए एडिक्यूट क्वांटिटी ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स ठीक है रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी हमारे बॉडी के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं जो चाहिए हमें इन द एडिक्यूट क्वांटिटी में चाहिए ठीक है उसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट शुड कंटेन फूड आइटम्स विथ डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू टू फुलफिल आवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ठीक है बैलेंस डाइट में बहुत ज़्यादा फूड फूड में कंटेन्स जो अलग अलग से आइटम्स होते हैं डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूट्रिशन होते हैं सब पूरी बॉडी से कुछ में विटामिन होंगे प्रोटीन्स होंगे कार्बोहाइड्रेट्स फैट होंगे तो वो क्या होगा इन वेल्यूएबल फॉर्म में होंगे मतलब कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए टू फुलफिल अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ठीक है हमारी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ए बैलेंस डाइट इंक्लूड सिक्स मेन न्यूट्रिय सिक्स मेन न्यूट्रिय चाहिए हमारी बैलेंस डाइट में जैसे कि फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर विटामिन एंड मिनरल्स ठीक है जैसे इस सर्कल में बताया फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमें ज़्यादा चाहिए ब्रेड राइस पोटैटो पास्ता इस तरह से मीट फिश एग भी चाहिए फैट एंड शुगरी फैटी एंड शुगरी फूड चाहिए जिसमें शुगर हो डाइटरी मतलब मिल्क रिलेटेड फूड हमें बॉडी में चाहिए ठीक है अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है क्यों खाना चाहिए हमें बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट लीड टू ए गुड फिजिकल एंड ए गुड मेंटल हेल्थ अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे सब तरह का भोजन लेंगे जिसमें फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फाइबर विटामिन एंड मिनरल ये सब हों तो वो क्या होता है हमारी फिजिकल जो हमारी बॉडी की बनावट है उसको और मेंटल हमारी दिमागी तौर की जो हेल्थ है उसको बैलेंस रखता है गुड रखता है इट हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए हेल्प करता है बैलेंस डाइट आल्सो इट इंक्रीज द कैपेसिटी टू वर्क टू डू वर्क हमारे काम करने की क्षमता को भी बैलेंस डाइट जो है बढ़ाता है ठीक है बैलेंस डाइट इंक्रीज द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीज ठीक है बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसमें क्या योग्यताएं होंगी जो बीमारियां हैं उनसे फाइट करने के लिए और उनसे बचने के लिए हमारी हेल्प करेगी बैलेंस डाइट ठीक है नेक्स्ट है स्क्रेच योर ब्रेन के दो क्वेश्चन हैं उसमें पूछा गया है थ्रो फैट आर असेंशियल फॉर आवर बॉडी ईटिंग टू मच ऑफ फैट आइटम रिच इन फैट कैन हार्मफुल वाई कि हम बहुत ज्यादा फैट ले रहे हैं हमारी बॉडी में तो क्या होएगा उससे बहुत ज्यादा फैट लेने से फैट आर असेंशियल फॉर आवर बॉडी फैट हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है पर बिकॉज इट इज एनर्जी गिविंग फूड क्योंकि ये एनर्जी देता है फूड के लिए पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं खाना है टू मच ऑफ फूड आइटम फूड आइटम रिच इन फैट कैन बी हार्मुल ठीक है हार्म करती हैं हमारी बॉडी का अगर टू मच ले रहे हैं उसे तो बिकॉज आवर बॉडी नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ा सा अमाउंट में फैट चाहिए एंड एक्सेसिव इनटेक ऑफ फू फैट मेक लीवर इनएक्टिव अगर हम बहुत ज़्यादा फैट ले रहे हैं तो हमारे लीवर को वो इनएक्टिव कर देगा एंड मेक यू ओबीज और हमारी बॉडी को मोटा कर देगा ठीक है नेक्स्ट है हाउ डज वाटर मेंटेन बॉडी टेम्परेचर कि वाटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करता है वाटर हैज ए कैपेसिटी टू रेगुलेट द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर जो बाहरी वातावरण है उसके कंपेरिजन में हमारे अंदर के तापमान को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वाटर हेल्पफुल है ठीक है स्वेट इज द मेन मीन्स जो हमें पसीना आता है वो ऐसे नहीं आता वो हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहरी तापमान से मैच करने के लिए स्वेटिंग के थ्रू हेल्प करता है तो स्वेटिंग में क्या होता है स्वेट इज द मेन मीन वाई विच वाटर प्रिवेंट द ह्यूमन बॉडी ओवर हीटिंग ठीक है हमारी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म ना हो जाए इसलिए स्वेटिंग होती है ताकि बॉडी ठंडी रहे वैन द टेम्परेचर आउटसाइड इज वेरी हाई जो बाहर का टेम्परेचर बहुत हाई है गर्मियों का टाइम है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तो स्वेटिंग होती है स्वेटिंग क्यों होती है ताकि हमारी बॉडी ठंडी रहे द देशन ऑफ स्वेट ब्रिंग द लॉस ऑफ कैलोरी जो हमारी स्वेट है पसीना है उसमें जो इवेपोरेट होगा जो पानी निकल रहा है और इवेपोरेट हो रहा है उसमें क्या होगा लॉस ऑफ कैलोरीज हमारी बॉडी की कैलोरीज खत्म हो जाती है कमी हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ठीक है इसलिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए गर्मियों में ठीक है थैंक यू ये थे आपके सेकंड चैप्टर के आंसर